सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जी हाँ दोस्तों, एक दफो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जे कदे तवां के भी पेंजन बारन ला मैचिंग घर खपन त अजु ही कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मध्यवर्ती रुग्णालय एक जिला रुग्णालय है, एक जिला लेवल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से उल्लासनगर ही नहीं तो बल्कि आजू बाजू अमरनाथ से लेकर वांगनी तक या मुरबाड़ से लेकर शाहपुर तक और आगे के भी दूर दराज के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। लेकिन आपको बताऊँ, पेशेंट को जरा भी कुछ होता है तो उसको शिवाजी हॉस्पिटल भेजा जाता है, जरा भी कुछ हो जाए उसको कड़वा रेफर किया जाता है, अरे चार टाके लगाने के लिए कोई आए तो उसको कड़वा रेफर किया जाता है। ये चल क्या रहा है, फिर ये हॉस्पिटल क्यों है? अभी एक पेशेंट है कि जिसको किसी ने मारा है, एक MLC है, तो उसका ECG में कोई चेंजेस है तो डॉक्टर कहती है कि हमारे पास कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, अब इसको कड़वा लेके जाओ। अब वही ECG की रिपोर्ट हमने किसी और को भेजे तो वो कहते हैं कि इसकी कोई टेस्ट कराओ, इतनी इमरजेंसी नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉल लेने के लिए तैयार नहीं है। डिलीवरी के लिए जरा कुछ चेंजेस आते हैं तो इन्हें कड़वा भेजा जाता है, कोई स्टिचेस लगाने हैं उनको कड़वा भेजा जाता है, कोई थोड़े भी प्रॉब्लम है तो कड़वा भेजा जाता है। फिर ये हॉस्पिटल है क्यों और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट हो रही है, अब इसका जवाब देना पड़ेगा। उल्लासनगर की शासकीय सेंट्रल हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों की एक बार फिर बड़ी संवेदनहीनता सामने आई है, जहां प्रस्तुति के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को 108 एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण महिलाओं को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है और सेंट्रल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जानबूझकर पीछे खड़ी कर चालक गायब हो जाती है, जिसके कारण यहाँ आने वाले गरीब मरीजों की जान पर बनाती है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी रगड़े ने गंभीर आरोप करते हुए बताया कि सेंट्रल हॉस्पिटल में रात के समय हॉस्पिटल में न डॉक्टर मिलता है न ही कोई वार्ड बॉय है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल में रात के समय आने वाले मरीजों को जानबूझकर कलवा रेफर कर दिया जाता है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कई बार होने के बावजूद हॉस्पिटल प्रशासन इस पर कोई भी ठोस कदम आखिर क्यों नहीं उठा रहा है, ऐसे सवाल नागरिक कर रहे हैं। एक पेशेंट को देखने के लिए करीब हम यहाँ पर 12 बजे के आसपास पहुँचे थे। वो पेशेंट को देखने के बाद बाहर आते तो हमारे पहचान के एक व्यक्ति मिले, जिनकी वाइफ यहाँ पर डिलीवरी के लिए आई थी। उसका ब्लड प्रेशर डॉक्टर का कहना है कि 200 के ऊपर है और उसका SpO2 भी 90 पे आया है, तो उसको इमीडिएटली कड़वा शिफ्ट करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। अब वो बेचारा अनपढ़ बंदा 108 को पिछले एक घंटे से एम्बुलेंस को ट्राई कर रहा है, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ पर आई नहीं है। मैंने खुद 108 पर ऑपरेटर से बात की तो 12:48 पे भी कॉल गिरा था उसका, लेकिन उसके बावजूद भी 2 तक यहाँ पर एम्बुलेंस आई नहीं। जब हमने इधर के डॉक्टर को सवाल किया कि अगर वो एम्बुलेंस नहीं आ रही है, आप कह रहे हो कि पेशेंट बहुत सीरियस है, उसको इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए, तो आपका सेंट्रल हॉस्पिटल का एम्बुलेंस कहाँ है? तो ऊपर के डॉक्टर का कहना है कि हमको मालूम नहीं, आप जाके कैजुअल्टी में चेक करो। हम कैजुअल्टी में आके पूछते कि यहाँ की एम्बुलेंस कहाँ है, तो बोलते हैं दिख नहीं रहा है, मतलब वो कॉल पे गया होगा। अब सामने एम्बुलेंस रखने की बजाय ये जानबूझ के एम्बुलेंस छुपा के रखते ताकि लोगों को मिसगाइड कर सके कि एम्बुलेंस कॉल पे है। जब हमने आजू बाजू में देखा तो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, फिर हमने जाके उधर हंगामा मचाया, तब जाके उन्होंने एक एम्बुलेंस अरेंज की। अरेंज करने के बाद भी जो पेशेंट नीचे उतर रहे तो 2 आया और एक सिस्टर के साथ पेशेंट नीचे आ रहा है और एक जेंट्स ब्रदर भी शायद था, लेकिन वार्ड बॉय कोई नहीं। अभी एक 9 की प्रेग्नेंट महिला जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है, उस महिला को अगर आप नीचे लेके आ रहे हैं तो उसको एम्बुलेंस में डालेगा कौन? कोई यहाँ पर नहीं है, महिला कुछ कर नहीं पा रही है। आखिर हम जैसे कुछ लोगों ने उसको अंदर रखने का प्रयास किया, लेकिन मेरा सवाल शिंदे सर और ये प्रशासन से है कि कुछ दिन पहले ही एक महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस में हुई थी, उसके बावजूद भी आप लोग इतने बेजवाबदार कैसे हो सकते हो? आपके पास डिलीवरी के इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं, यहाँ पर इमरजेंसी हो सकती है, आपको पता है कि 108 एम्बुलेंस आने में देरी लगती है, तो फिर आपकी एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात क्यों नहीं है? आपके ड्राइवर कहाँ पर है? क्या आप उनको फोकट में पगड़ दे रहे हो या हमारे पैसे की बर्बादी कर रहे हो? ऐसे लोगों को यहाँ पर क्यों रखा जा रहा है? दूसरी बात, यहाँ पर अगर पेशेंट नीचे आ रही है तो वार्ड बॉय क्यों नहीं है, उसको शिफ्ट कौन करेगा? प्रशासन को आप जागना पड़ेगा और ये लोगों को सेवाएं देनी पड़ेगी। अब तक जो हुआ है बहुत हुआ है, शिंदे सर आप लोगों को स्ट्रिक्टली एक्शन लेनी पड़ेगी, वरना फिर हमको आंदोलन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। 108 टाइम पे नहीं आती है, सेंट्रल हॉस्पिटल के ड्राइवर गायब है, पेशेंट एम्बुलेंस के
और प्राइवेट वाले एम्बुलेंस यहाँ पर आके खड़े हैं, मतलब क्या है कि आपकी कोई साठगांठ है या आप ये पेशेंट हर पेशेंट को रेफर करना चाहते हो और अपने एम्बुलेंस को दबा के रख रहे हो और 108 की एम्बुलेंस आती नहीं। शिंदे साहब, आपको अब इसका जवाब देना पड़ेगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।